नमस्कार दोस्तों, आप सबों को पता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा जो वनडे मुकाबला है उसके लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है और ढाका में ही टीम है। टीम इंडिया के लिए ढाका का जो सफ़र है अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। पहले मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा, 0-1 डाउन है, यानी पूरी तरह से जो दबाव है वो टीम इंडिया पर है क्योंकि उन्हें दूसरा मैच हर हाल में जीतना होगा। नहीं तो पिछली बार वो बांग्लादेश में वनडे सीरीज हारे थे और इस बार तो लगातार दो बार वनडे सीरीज हारेगी टीम इंडिया, जो जाहिर सी बात है कतई नहीं चाहेगी। चाहे वो रोहित शर्मा कप्तान हो या विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी हो, शिखर धवन हो और राहुल द्रविड़। देखिए, वैसे भी राहुल द्रविड़ को पता है कि बांग्लादेश का जब भी नाम आता है ना तो राहुल द्रविड़ की थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कप्तान थे तो इसी बांग्लादेश की टीम ने 2007 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हरा कर उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किया था। तो शायद यही वजह रही है कि राहुल द्रविड़ आज आए वहाँ पर नेट्स में और काफ़ी उन्होंने खिलाड़ियों के साथ वक्त बिताया, सीनियर खिलाड़ियों के साथ। लेकिन एक अहम खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको नेट्स के सारे विजुअल दिखाऊंगा, आप खुद देखेंगे किसने कितनी देर तक अभ्यास किया है। रोहित शर्मा के विजुअल्स हैं, शिखर धवन के हैं, लेकिन एक जो अहम खिलाड़ी है विराट कोहली, जी हाँ विराट कोहली जो हैं वो मंगलवार को अभ्यास के लिए नहीं आए, उन्होंने आराम करने का फैसला किया। तो ये एक अहम खबर थी। और उसके बाद अगर देखा जाए टीम इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी हैं रोहित और शिखर ने, उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया। तो फिलहाल पहले ये तस्वीरों पर गौर फरमा लेते हैं। हाँ भाई, ये बात अपने अच्छे के बोर्ड ने उसको सर पे चढ़ा रखा है। और टीम इंडिया का अहम मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ और इसलिए प्रेस को फेस करने के लिए अनुभवी खिलाड़ी को ही भेजा गया, शिखर धवन। अब काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है कप्तान के तौर पे उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, और इसलिए रोहित शर्मा ने आज कहा कि भाई आज आप जाइए क्योंकि बड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे, तलखी से पूछे जाएंगे, तो धवन से बेहतर आदमी कौन है।
बड़े धवन से पूछा भी गया कि जो कि भाई कोचेस बदलते हैं, एक लक्ष्मण थे न्यूजीलैंड में, यहाँ द्राविड हैं, उनको किस तरह की दिक्कत होगी। तो धवन ने कहा कि देखिए मैं मस्त मौला आदमी हूँ, मेरे हर किसी के साथ पड़ती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 सालों से खेल रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा धवन से विकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विकेट थोड़ा सा स्टिकी था, हमें लग रहा था कि ये विकेट थोड़ा सा उतना बैटिंग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब निकला। लेकिन हंसते हुए उन्होंने कहा, बहाने नहीं ढूंढे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की टीम अच्छी खेली और इसलिए वो जीते हैं इस मैच में। लेकिन टीम इंडिया के लिए ये पहला मौका नहीं है कि वो सीरीज़ का पहला मैच गंवाई, उन्होंने कमबैक किया, वापसी की है और उनको पूरा भरोसा है कि वापसी करेंगे। इसके अलावा धवन से कुछ और सवाल पूछे गए शार्दुल ठाकुर के बारे में, वाशिंगटन सुंदर के बारे में सवाल पूछे गए कि वाशिंगटन सुंदर को लेकर क्या भविष्य, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोकल मीडिया उनको काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा खेल दिखाया न्यूजीलैंड में, ज़बरदस्त उनमें क्षमता है और काफ़ी तारीफ की। तो आइए धवन का भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। थोड़ा सा अवेलेबिलिटी पर क्योंकि शाम को मिश्रा रहने थोड़ा सा कुछ दिक्कत लग रहा था, लास्ट अवेलेबल है सारे खिलाड़ी और दूसरा भी मैच अभी हम देख रहे थे तो स्वीप और रिवर्स स्वीप पर बड़ा फोकस था आपका, श्रेयस का भी और राउंड रॉबिन से भी लगातार बातचीत चल रही, तो वो क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं इस विकेट के लिए, फिर क्या प्लान है उसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल शार्दुल अवेलेबल है मैच के लिए, उसको क्रैम्प्स या कुछ सीरियस नहीं था और बिल्कुल I always enjoy playing sweep or reverse sweeps as well. So it's good to practice more because यहाँ की जो wickets हैं उनमें shots काफी काम आई हैं, तो आप देखेंगे कल हमारे player भी shots अपनाएंगे क्योंकि जैसे विकेट होती है उसके हिसाब से shots भी तैयार करनी पड़ती है और even जो world cup है अगले साल वो भी इंडिया में है तो इंडियन pitches में spinners ज़्यादा role play करते हैं, वो सारी शॉट काफ़ी काम आएगी तो उसके लिए भी दिया है। हाँ भाई ये बात अपने अच्छी के बोर्ड ने उसको सर पे चढ़ा रखा है।